फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पग लाइफ ठग लाइफ से एक और न्यू वीडियो लेके आई हूँ सिम्बा की। जैसे कि आप सबको पता ही है, विंटर सीजन आ गया है, दिल्ली में तो काफी ठंड है, तो मैंने अपने बेटे के लिए खुद ही घर पर ये बूटीज बनाई थी। और सिम्बा को ये बात पता चल गई है, सिम्बा तब से मैं पीछे पड़ा हुआ देखिए वूल भी माउथ में लेके घूम रहा है कि मेरे को भी बनाकर दो, मेरे को भी बनाकर दो। सो अभी सिम्बा के लिए शूज बनाना तो पॉसिबल नहीं है, मैं बना तो दूंगी बट सिम्बा शायद उसे पहनकर अनकंफर्टेबल हो। तो मैंने अभी सोचा है मैं सिम्बा के लिए नेक बैंड बनाऊंगी। वैसे तो मेरा ऑलमोस्ट डन है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सिम्बा इसे पहनकर कितना हैप्पी होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये वो बूटीज है जो मैंने अपने बेटे के लिए बनाई थी, और थोड़ी सी वूल बच गई थी तो मैंने कहा सिम्बा का नेक बैंड भी बन जाएगा। सो ऑलमोस्ट डन ही है ये, और इसे मैं अभी सिम्बा को स्टिच करना है बस मुझे, क्योंकि मैं मफलर की तरह इसे दूंगी तो सिम्बा का बार बार नीचे गिरेगा। तो मैंने सोचा है कि मैं कॉर्नर्स को यहाँ से इसको सिल दूंगी, स्टिच कर दूंगी, और सिम्बा के नेक पे पूरा फिट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट डन है, विद इन 5 मिनट से बन जाएगा। तो मैं आपको भी इसे पहन के दिखा देती हूँ। मैंने इसे बना लिया और यहाँ से स्टिच कर लिया है, तो एक तरह से पूरा नेक बैंड की तरह रेडी हो गया। आप देख रहे हैं सिम्बा यहीं खड़ा है, कितना एक्साइटेड है इसे पहनने के लिए। अब मैं सिम्बा को पहनाती हूँ। देखो सिम्बा ने कितने अच्छे से पहना लिया, क्योंकि सिम्बा भी चाहता था कि बने और मैं पहनूं। डुगू के साथ इसका कॉम्पिटिशन है मेरे बेटे के साथ। अभी सिम्बा को देखिए भूख लगी है, और सिम्बा के लिए बनाया आज मटन। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सिम्बा का मटन कैसे बनाया है। मैं मटन को प्रेशर कुकर में डालती हूँ और सॉल्ट और टर्मरिक। अब मैं सिम्बा को दे देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। चलो सिम्बा आओ। तो ये सिम्बा की प्लेट है, इसमें सिम्बा खाना खाता है। सिम्बा बाउल में नहीं खाता, क्योंकि उसे लगता है हम प्लेट में खाते हैं और वो बाउल में खाता है, तो वो कभी नहीं खाता। तो उसके लिए मैंने ये प्लेट्स रखी है, जैसी प्लेट्स हमारी है वैसी सिम्बा की है। तो प्रेशर कुकर में मैंने सॉल्ट, इसमें सॉल्ट और टर्मरिक डाला था, और इसे 6 to 7 विसिल लगवाई है। और इसे अब मैं निकालूंगी यहाँ पे और हैंड से क्रश करूंगी, क्योंकि सिम्बा ये पीसेस ऐसे खा नहीं सकेगा। इसका पानी मैं फेंक देती हूँ, सिम्बा वो पानी नहीं यूज करता अभी। ये सिम्बा देखिए कितना एक्साइटेड है, क्योंकि मटन सिम्बा का फेवरेट है। सिम्बा सिर्फ मटन और चिकन ही खाता है और कुछ भी नहीं खाता है। आज इसका फेवरेट फूड है, अभी ये बहुत एक्साइटमेंट दिखा रहा है, लेकिन जब खाने का टाइम आएगा ना, देखना कैसे ये भागेगा। ये चाहता है मुझे पैम्पर करो, प्यार करो। देखो कैसे साथ साथ चल रहे हैं अभी। सिम्बू मटन खाएगा? मटन खाएगा सिम्बू? आज सिम्बू क्या खाएगा? इसे अच्छे से क्रश कर दूंगी, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा ताकि सिम्बा इजीली इसे खा सके। देखिए सिम्बा बहुत एक्साइटेड है मटन को लेकर। तो मैंने इसे देखिए अच्छे से क्रश कर दिया है, अब मैं सिम्बा को दे रही हूँ, सिम्बा अपने आप खा लेगा। सिम्बा ये लो, सिम्बा लो। देखा सिम्बा का ड्रामा हो गया शुरू। सिम्बा लो, सिम्बू लो, सिम्बा ले ले, सिम्बा। देखा सिम्बा का ड्रामा शुरू, अब शुरू होगा। खा रहा है सिम्बा अभी। सिम्बू अच्छा बना है? सिम्बा कैसा बना मटन? अभी सिम्बा खाने में मस्त हो, से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई क्या बोल रहा है। सिम्बा यू लाइक इट? अभी नहीं कोई फर्क पड़ रहा सिम्बू को। तो ठीक है सिम्बा को भी खाने देते हैं, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो देख लीजिए सिम्बा ने खाना खाया नहीं है, इसको बस चाहिए मुझे कोई पैम्पर करे, अपने हाथ से खिलाए। वैसे इसकी कोई गलती नहीं, इसकी आदत तो मैंने ही खराब की हुई है। अब देखो अभी ये खाएगा। ये ले सिम्बू, सिम्बू ये ले। देखो सिम्बा का ड्रामा चला। वैसे सिम्बा का फेवरेट फूड है, बट सिम्बा को बस ड्रामा चाहिए कि मुझे अटेंशन मिले, मुझे सब देखे, मुझे प्यार करे, मुझे खिलाए। देखो अब सिम्बा खाएगा। सिम्बू आ जा, आओ सिम्बू, आओ आओ मैं खिलाऊ। देखो अब सिम्बा खाएगा हैंड से, बस इसको ऐसे ही खाना है। तो आज सिम्बा को मैंने नहलाया भी था, बट मैं शूट नहीं कर पाई। बहुत जल्दी मैं सिम्बा के एक नहाने का वीडियो शूट करूंगी। सिम्बा बहुत मजे से नहाता है, बहुत इंजॉय करता है, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूंगी। सो अभी तो मैं बिजी हूँ सिम्बा को फूड खिलाने में। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।